में सारा कुछ ठीक है। और इस केस में SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि डायरेक्टली H2H2O7 दिया रह सकता है एग्जाम में, या फ्यूमिंग SO3 या कंसंट्रेटेड H2SO4। H2H2 का O7 का नेम सबको पता है इसमें, इसका नेम क्या रहेगा? H2H2O7 ओलियम ओलियम ओलियम। इसका दूसरा सही है सब लोगों का, इसका एक नेम और होता है, किसी को पता दूसरा नेम इसका? H2H2O7 का पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी याद रखना है। H2H2O7 का एक नेम और क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कल के पेपर में क्वेश्चन भी रहा होगा तुम लोगों का, H2H2O8 इसका नेम क्या होता है? कोई भी एक बताओ इसका नेम। H2H2O8 सही है इसमें। ये क्या रहेगा? मार्शल एसिड। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला गया था कि किसमें, ऐसा तीन चार ऑप्शन था किसमें SS बॉन्ड नहीं है, तो H2H2O8 में SS बॉन्ड ना होकर क्या रहता? O बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पेरोक्साइड। सही है पेरोक्साइड, सही है बिल्कुल। तो वहां पे ये सोचना था, मतलब ये हम लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके हैं, बट तुम्हारे एनसीईआरटी बुकलेट में ये पी ब्लॉक में दिया गया इसका स्ट्रक्चर, वो पी ब्लॉक का क्वेश्चन होगा, बट एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। दैट मीन्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक का मैक्सिमम बॉन्डिंग अच्छा है, वो पार्ट भी तुम्हारा अच्छा ही रहेगा। एक दो रिएक्शन अगर रिएक्शन बेस्ड आ जाता है, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन, उसको याद करके रखना है पी ब्लॉक में से, एस ब्लॉक में से, अंडरलाइन करके इस तरीके से उसको कर पाओगे प्रॉपर स्टडी। आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे। अब इसके मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम भी इसका इम्पोर्टेंट है। अब H2SO4 आ रहा है यहाँ, एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH, एच दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एच ओ डबल बॉन्ड ओ OH। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड ले रहे हैं यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें होता है क्या, यहाँ पे कोई भी एक एसिड बेस की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे है, और कोई भी एक एसिड है, वैसे है दोनों एसिड, मान लेते हैं पीएच प्लस अपना जब रिलीज करेगा पीएच प्लस को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, और जैसे एच प्लस को एक्सेप्ट करता है ये क्या हो जाएगा, ओ एच ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, एच डबल बॉन्डो ओएच, और ये क्या बच जाता है इसमें, HSO4-। अब क्या होगा इस केस में यहाँ पे, जैसे एच टू ओ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये सिचुएशन कहीं पे आ रहा हो, यहाँ से क्या होगा, ये वाटर बन के यहाँ से बाहर चला जाएगा, और जैसे ये वाटर बन के बाहर गया H2O न्यूट्रलाइज होकर के, सल्फर पे कौन सा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव चार्ज SO3H पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या आ जाएगा इसमें HSO4-। अब क्या होता है इसमें यहाँ पे है, तो जो SO3H है यहाँ पे इस केस में, इसको मैं अगर इस टाइप से लिख दूं यहाँ पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच पॉजिटिव चार्ज, ये इस रिएक्शन में क्या काम करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल SO3H+। या फिर इसमें क्या होता है इस कंडीशन में यहाँ पे, इसका जो एक एच है ये अभी भी एसिडिक नेचर का होता है, ये एच टू ओ क्या करता है यहाँ पे है, फिर से इसके एक एच प्लस को बाहर कर देगा, और जैसे एच प्लस को बाहर करता है यहाँ पे है, ये क्या बन जाएगा इसमें, SO3+ H3O+ और HSO4-। ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, सारा स्टेप क्या रहेगा यहाँ पे, रिवर्सिबल होता है यहाँ पर हर एक स्टेप। अब देखो इसमें होता है क्या यहाँ पे है कि इस रिएक्शन में SO3H+ भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, SO3H+ और SO3 दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन मेरे किसमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होता है, SO3 भी रह सकता है या SO3H+ भी रह सकता है यहाँ पे, SO3H+ और SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल।
स्टेप्स यूज कर सकते हो यहाँ पे, इज इलेक्ट्रोफाइल, इवन दोनों इलेक्ट्रोफाइल आता है। और मुझे चाहिए क्या था, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं स्टार्टिंग से, इलेक्ट्रोक्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि बेंजीन का जनरल रिएक्शन होता है। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, अब यही इलेक्ट्रोफाइल से बेंजीन का एच सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो आगे का रिएक्शन देखते हैं, पहले नोट डाउन कर लो इस केस में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन सल्फोनेशन रिएक्शन SO3H+ एंड SO3 जो ऑप्शन में दिया रहे तो ठीक करना रहेगा वहां पर। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 था तो वो तो आगे इस तरीके से। फ्यूमिंग SO3 का मतलब क्या है कि फ्यूमिंग SO3 मतलब बिल्कुल SO3 फ्री फॉर्म में ही मिल जाए मुझे, जो यहाँ पे जनरेट कर रहे थे SO3 वो बिल्कुल फ्री फॉर्म में आ जाए वहां पर SO3, वो भी इजिली रिएक्ट कर पाएगा बेंजीन के साथ। या फिर H2H2O7 ये कैसे ब्रेक होता है यहाँ पे है? SO3+H2SO4 इसी के कॉम्बिनेशन से ओलियम बन पाता है H2H2O7। H2H2O7 का भी मतलब क्या है, इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है SO3+H2SO4 और ये SO3 तो चाहिए जो कि इलेक्ट्रोफाइल काम करता है यहाँ पर। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं इसमें। कल यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें, अब बेंजीन का डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कराना था यहाँ पे है। SO3 से नो ले लेते हैं, SO3H+ है तब तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट होगा। अगर SO3 भी है तो कैसे होगा? SO3 का स्ट्रक्चर पता है उन लोगों को, H डबल बॉन्ड SO3। अब यही क्या करेगा, यहाँ पे आकर क्या अटैक करेगा, इसमें पोजीशन चेंज कर दो यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का भी हो कि जैसे पाई बॉन्ड आकर के पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सल्फर पे। क्यों सल्फर पे डोनेट करेगा? क्योंकि सल्फर से तीन तीन ऑप्शन कनेक्टेड है जो कि हायर इलेक्ट्रॉनिटम है सल्फर पे। दैट मीन सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो SO3 यहाँ पे कैसे काम करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाला ही इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, न्यूट्रल भी है। तो यहाँ पे सल्फर जो आ रहा है इस केस में यहाँ पे है एज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, जो सल्फर एटम पे आकर अटैक कर पाएगा ये। और जैसे अटैक करके पाई बॉन्ड ओपन होगा और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि अगर इस कार्बन के साथ अगर एसोसिएट हुआ यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाता O-, और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इस केस में। अब आगे का स्टेप देखना था यहाँ पे। अब इसके पास एक HB तो है यहाँ पे जो कि अंडरस्टूड सा है यहाँ पे। तब होता है क्या यहाँ पे है, ये एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा। ये इस तरीके से दिखा दो यहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि अभी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन गया था हर केस में, जो हम पहले भी कर रहे थे यही काम यहाँ पे। अब क्या होगा, ये जैसे एरोमेटिसिटी गेन करेगा इसका एक H+ यहाँ से बाहर करेगा, बाहर कौन करेगा HSO4- पीछे देखे हुए थे HSO4- इसके H+ को बाहर करेगा। मैं डायरेक्टली दिखा दूँ कि H+ बाहर जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। और क्या होगा इस केस में, यहाँ पे जैसे ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड और ये S डबल बॉन्ड O-। अब यही O- लास्ट में क्या करेगा, इसमें H3O+ का पीछे H3O+ से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा ये। और जैसे H+ को एक्सेप्ट करेगा ये क्या हो जाएगा इसमें यहाँ पे, मैं डायरेक्टली देता हूँ SO3H, H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पीछे जो मैकेनिज्म देखे उससे एक डिफरेंस मैकेनिज्म यहाँ पर आता है। यहाँ पे होता है क्या कि इसमें जितना भी स्टेप है
इवन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हर एक स्टेप रिवर्सिबल होता है इसमें। यहाँ पे इसमें एच प्लस को ऐड किया जा रहा है, जब रिवर्सिबल होगा इसमें तो एच प्लस को बाहर करेंगे इसमें, तो हर एक स्टेप ही इसमें जो होता है रिवर्सिबल होता है। अब देखो इसमें यहाँ पे होता है क्या है, इसमें स्लो स्टेप कौन सा है, अगर हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो स्लो स्टेप कौन सा था, फर्स्ट सेकेंड कौन सा रहेगा इसमें, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है तो फर्स्ट ही क्या होगा, स्लो होगा इसमें यहाँ पे। अब जब हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो बैकवर्ड रिएक्शन में देखना है तो वहां पे कौन सा होगा स्लो स्टेप, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीन स्टेप है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में स्लो स्टेप कौन सा रहेगा, सेकेंड। सेकेंड क्यों सेकेंड, क्योंकि ये एरोमेटिक से फिर ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है जब बैकवर्ड होते हुए, क्लियर है यहाँ पे है। इस केस में यहाँ पे जब बैकवर्ड जाएंगे तो इस तरीके से सेकेंड, इसमें बेसिकली जब रिवर्सिबल है इसमें दोनों स्टेप क्या हो जाता है, इसमें आरडीएस मान लेते हैं यहाँ पे, इतना डिटेल में नहीं जानना है, आरडीएस वन ये आरडीएस टू, क्योंकि ये जब बैकवर्ड फॉरवर्ड जा रहा है आरडीएस बैकवर्ड जा रही है, तो दोनों को आरडीएस यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, तो ये बेंजीन सल्फोनेट तो आ ही गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल पिछले वो पॉइंट लिख चुके थे यहाँ पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सल्फोनेशन इज हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन, सल्फोनेशन इज हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन, हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्स ऑफ सल्फोनेशन इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन, एंड रिवर्स ऑफ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन। क्लियर है यहाँ पे है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि जब सल्फोनेशन करा रहे थे तो H2SO4 कैसा ले रहे थे, वो वहां पे कंसंट्रेटेड, पीछे अगर देखोगे इसमें जब हम लोग सल्फोनेशन करा रहे थे H2SO4 कैसा ले रहे थे, कंसंट्रेटेड। अब जब यहाँ पे डी सल्फोनेशन करना है तो डी सल्फोनेशन का मतलब क्या है कि अभी जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है जिसमें कि बेंजीन के ऊपर SO3H अटैच है, इस SO3H को रिमूव करना है यहाँ पे, इसको डिसल्फोनेट करना है यहाँ पे। तो जब डिसल्फोनेशन कराना हो तो उसमें कौन सा हम लोग रिएजेंट यूज करें, मुझे कुछ याद हो पहले अगर पढ़े हो कि डिसल्फोनेशन में क्या यूज करता हूँ यहाँ पे, क्या यहाँ पे लिखा हुआ भी है सामने, फॉर डिसल्फोनेशन, फॉर डिसल्फोनेशन डाइल्यूट H2SO4 इज यूज, डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड। अब इसका क्या मीनिंग है, जैसे कि H3O+ है, H3O+ का मतलब क्या यहाँ पे है, H2OH+, H2O दैट मींस वाटर, और H+ मतलब स्लाइटली एसिडिक मीडियम है, ये H2OH+ है एसिडिक मीडियम है, H2SO4 तो अभी भी है दैट मींस H+ है यहाँ पे अगर, और वाटर दैट मींस क्या है डाइल्यूट। जब रिवर्स प्रोसेस करते हैं डिसल्फोनेशन कराना होगा, बैकवर्ड जाएंगे यहाँ पे तो उसमें क्या यूज कर लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4, ये भी एक याद रखना है यहाँ पे, जब डिसल्फोनेशन कराना होगा क्या यूज कर लेते हैं, वो डाइल्यूट H2SO4। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। अब इसका मीनिंग क्या होता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मीनिंग क्या रहेगा, बताओ कोई एक बताओ इसमें इसका मीनिंग क्या रहता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, तो देखते हैं पता सबको होगा इसमें, यहाँ पे क्या आइसोटोपिक मतलब आइसोटोप से, और काइनेटिक का मीनिंग क्या रहता है रेट से, तब किसी का जगह यहाँ पे एच आ रहा है, एच के जगह इसका आइसोटोप ले लिया जाए लाइक ड्यूटेरियम ट्राइटियम,
उसका रेट अलग अलग हो जाता है यहाँ पे। तो काइनेटिक आइसोटोपिक का मतलब क्या है कि अगर किसी का आइसोटोप ले लिया जो अभी नॉर्मल है, उसका जब अगर उसका आइसोटोप ले लिया जाता है तो उसका रेट भी डिफरेंट हो जाएगा वहाँ पे। दैट मीन्स क्या वर्ड हम यूज करते हैं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की जॉब जब। अब इसका मीनिंग यहाँ पे ये है, ये भी आरडीएस था और ये भी आरडीएस था, इसमें रिवर्सिबल होने के चलते। अब यहाँ पे इस स्टेप में क्या हो रहा था, एच बाहर जा रहा था यहाँ पे। बेसिकली दोनों स्टेप जब हम लेते हैं यहाँ पे तो फॉरवर्ड में भी दोनों को हम ले लेते हैं आरडीएस में, ऐसा नहीं सिर्फ ये आरडीएस वन आरडीएस टू दोनों स्टेप में आता है। तो फॉरवर्ड में भी ये आरडीएस रहा था, इवन ये भी आरडीएस में काउंट करते हैं यहाँ पे। अब इसमें होता है क्या, यहाँ पे ये जो एच है सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये एच प्लस यहाँ से बाहर जा रहा होता है। और जब ये एच प्लस यहाँ से बाहर जा रहा होता है इस केस में, अब एच के जगह अगर डी आ जाता है यहाँ पे, देखिए बेंजीन का भी क्या था, C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सबको अगर एच को रिप्लेस कर दिया डी से, C6D6 और C6T6, तो यहाँ पे देखना है कि रेट जो रहेगा वो किसका ज्यादा होगा। यहाँ पे CH बॉन्ड है और अगर डी होता तो वो कौन सा बॉन्ड होता, CD बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे CH और CD में से, CH. सही है बिल्कुल, CH बॉन्ड। और अगर CH बॉन्ड, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी कम है CH का, इसका CD का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, और जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो इजिली ब्रेक नहीं होगा। और CH अगर इजिली ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसमें, फास्ट होगा। जब इसका अगर अलग काइनेटिक्स अगर लिया जाए इसमें, तो जो रेट रहेगा यहाँ पे C6H6 का रेट सबसे ज्यादा, देन C6D6, देन C6T6। क्योंकि जब CH होगा H होगा तो इजिली बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उसका रेट भी ज्यादा रहेगा। तो रेट जो रहेगा सल्फोनेशन रिएक्शन में अगर आइसोटोप चेंज किया जाता है इस तरीके का ऑर्डर रहेगा। जबकि नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में अगर हम लोग आयोडिनेशन की बात ना करें यहाँ पे, क्योंकि आयोडिनेशन एक वो भी रिवर्सिबल था, बट इन जनरल हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन वो कैसा होता है, उसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन में क्या होगा, तुम्हारा C6H6 = C6D6 = C6T6, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, इसमें यहाँ पे ध्यान देना है कि नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन में कोई भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, जबकि इस केस में ऑब्जर्व हो पाता सल्फोनेशन में। वहां पे अगर होगा सबका इक्वल रहेगा, जबकि इस केस में यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था सल्फोनेशन, जिसको भी याद रखना था यहाँ पे, रेट ऑफ सल्फोनेशन ये ऑर्डर आएगा यहाँ पर, जबकि ये नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन के लिए था यहाँ पर। कुछ एग्जांपल करते हैं यहाँ पे इसका, हम लोग इसका डेफिनेशन भी होता है, मैं उसको लिखा नहीं रहा यहाँ पे। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी उसका आइसोटोप सर यूज कर देंगे यहाँ पे तो रेट अलग हो जाता है। कर लेंगे डाउन कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें हम लोग यहाँ पे। वो यहाँ पे कार्बन का आइसोटोप हम लोग यूज नहीं करेंगे, कार्बन का यहाँ पे, तो कार्बन तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे है। डेट में अगर कार्बन का आइसोटोप यूज कर रहा हूँ इसमें यहाँ पे, तो कार्बन तो कहीं पे ब्रेक ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखिए CH। बाकी अगर ये कार्बन में भी अगर वैसा कभी क्वेश्चन वैसा रहेगा नहीं, बट कार्बन का भी आइसोटोप यूज किया जाए तो जितना हाइयर आइसोटोप्स होता है उतना स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये पॉइंट याद रखना। मान लो C12 और C14 अगर होता, तो C12 C14 यहाँ पे 12 के साथ H एसोसिएटेड होगा और यहाँ पे C14 के साथ अगर H एसोसिएटेड है, दोनों एक साथ कभी नहीं करेगा, वेरी करेगा तो C12 और C14, या अगर उसको भी वेरी करता है, पॉइंट जनरल सा क्या है,
कि हाइयर आइसोटोप फॉर्म स्टेबल बॉन्ड, उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, और जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसका रेट कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे है? तो हाइयर आइसोटोप जो भी होगा, अगर कार्बन का भी हाइयर आइसोटोप यूज किया और हाइड्रोजन का भी हाइयर आइसोटोप, उसका रेट और भी कम हो जाएगा क्योंकि उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हाइयर आइसोटोप मेक्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दैट उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसलिए ब्रेक नहीं होगा। तो कार्बन को भी अगर चेंज करता है C12C14, उसको भी इस तरीके से सोच सकते हैं। C12 वाले का रेट क्या होगा ज्यादा, तो ठीक आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर यहाँ पे बाकी कोई भी क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। वो CH3 है, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट को आसान है इसमें। नेक्स्ट एक एग्जांपल इसको ध्यान से करोगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br आ जाए, इस कन्वर्जन को कैसे करोगे यहाँ पर? फर्स्ट में तो आ जाता प्रोडक्ट, सोचने का तरीका क्या कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो एज इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा यहाँ से, SO3, या फिर SO3H पर डायरेक्टली आकर के, याद रखो यहाँ पर SO3H plus। अब क्या होगा इस केस में यहाँ पर, या SO3 वही इसके एस्पेक्ट में आर्थो पैरा डायरेक्टर, आर्थो पे तो क्राउडिंग होगा, मेनली पैरा पे आकर के ऐड हो जाता है। OCH3SO3H, मिक्सर की जरूरत नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है कि यहाँ पे इसमें क्या करो, ये कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर, कौन सा रिए इंड्यूस करें, तो ये बताओ, सोच के बताओ न्यूज करके क्या कर सकते हो इसमें। डायरेक्टली ब्रोमिनेशन कराओगे अगर, जो पिछले क्लास में पढ़े भी थे हैलोजनेशन में, तो अगर डायरेक्टली ब्रोमिनेशन कराते हो, देख लोगे यहाँ पे, उसके बाद नोट करोगे Br2Fe, ये क्या होता है, Br कैसा डायरेक्टर होता है, आर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टर? Br मेटा या कुछ और, सब लोग कुछ लोग चैट में बता रहे हो, चैट में बता रहा हो मेटा, पेज प्लट करके देखो, जहां पे मैंने मोनो सब्स्टिट्यूट के लिए बताया था उसका लास्ट पॉइंट जा करके देखो। ये सब एग्जाम में भी गलती करते हो तुम लोग। जो भी हैलोजन है उसका एक स्पेशल केस है, मैंने कई बार बताया, क्योंकि इसका जब रिएक्टिविटी देखते हैं वो माइनस आई के बेसिस पे, बट ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्लस एम नेचर। तो हेलोजन एक स्पेशल केस है, एक कैसा डायरेक्टर होता है इसमें, आर्थो पैरा। अब जब आर्थो पैरा डायरेक्टर है यहाँ पे, इसमें डायरेक्टली अगर ब्रोमिनेशन करते हो तो वो तो आर्थो पे भी आएगा, पैरा पे भी जाएगा, बट हम लोग चाहते हैं कि मेजर प्रोडक्ट ये बने, उसमें मेजर क्या बन जाता, पैरा वाला मेजर रहेगा, क्योंकि Br लार्जर इन साइज, तो आर्थो पे जब आएगा Br एड होने के लिए Br+, तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा वहां पे, डेट मीन्स यहाँ पे इजली एड नहीं हो पाएगा, वो मेजर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि मेजर यहाँ पे ये बने आर्थो वाला, तो फिर डायरेक्टली हम लोग ब्रोमिनेशन नहीं करा सकते इसलिए। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले सल्फोनेशन करा दो यहाँ पर, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, सही है, अब सही आ रहा है इसमें। पहले क्या कराओ यहाँ पे, सल्फोनेशन, देन ब्रोमिनेशन, देन डी सल्फोनेशन। अब क्या कराओगे, पहले जब सल्फोनेशन कराओगे इसमें, ये किस पोजिशन पे चला जाएगा यहाँ पे, है SO3H मेजर कहाँ पे बनेगा इसमें, पैरा पे SO3H आ जाता है यहाँ पे। अब क्या करो यहाँ पे, अब करा दो तुम यहाँ पे Br2Fe ब्रोमिनेशन। अब जब ब्रोमिनेशन कराओगे तो एक Br और एक SO3H है, Br भी डीएक्टिवेटर
और SO3 एच भी डीएक्टिवेटर। जब दो डीएक्टिवेटर ग्रुप हो तो किसके रेस्पेक्ट में ऐड करते हैं हम लोग, बताओ, अनम्यूट करके बताओ इसमें प्रॉपर। जब दो डीएक्टिवेटर ग्रुप हो तो किसके रेस्पेक्ट में ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर। स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर कौन सा है तुम्हारा, SO3 एच प्लस। और SO3 एच प्लस के रेस्पेक्ट में देखेंगे यहाँ पे, ये कैसा डायरेक्टर होता है, ये माइनस एम नेचर का है। और ये माइनस एम नेचर का, ये कैसा डायरेक्टर होगा, मेटा डायरेक्टर। और इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजिशन पे जाएगा यहाँ पे बी आर। ये क्या आया था तुम्हारा इसमें, बी आर SO3 एच, क्योंकि अब इसमें तो ये ब्लॉक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे मेटा, ये बी आर। और अब क्या करो इसमें, यहाँ पे जो SO3 एच है इसको हटाना है मुझे यहाँ से, इसमें क्या यूज कर लेंगे हम लोग, डायल्यूट एस्ट्रोसोफोल, डिसल्फोनेशन कर देंगे उनको, डायल्यूट एस्ट्रोसोफोल। जैसे डायल्यूट एस्ट्रोसोफोल करते हो कि अपने आप SO3 एच हट जाता है, सिर्फ बी आर बच जाता है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था, एक ही एग्जाम्पल में सल्फोनेशन भी करा रहे हैं और डिसल्फोनेशन भी करा रहे हैं। जब भी SO3 एच को हटाना हो वहाँ पे डिसल्फोनेशन कर लेंगे, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है। और डिसल्फोनेशन में क्या यूज करते हैं, रिएजेंट, डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोल। सल्फोनेशन की जगह नाइट्रेशन कर सकते हैं, नाइट्रेशन करा के थोड़ा लॉन्ग स्टेप हो जाए, नाइट्रेशन करा करके फिर क्या कराओगे बताओ इसमें, नोट करके फिर उसमें डीनाइट्रेशन कर सकते हैं। नहीं, डीनाइट्रेशन ऐसा कुछ नहीं होता, डीनाइट्रेशन में क्या यूज करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे डीनाइट्रेशन, ऐसा कोई टर्म, क्योंकि नाइट्रेशन रिवर्सिबल नहीं है, और जब नाइट्रेशन रिवर्सिबल है तो उसका डीनाइट्रेशन भी नहीं कर सकते। नाइट्रेशन कराओगे तो फिर थोड़ा लॉन्ग स्टेप, ये लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ेगा तुम्हें। बी आर आगे नाइट्रेशन कराओगे तो एनओ टू कराओगे इसमें। अब जब यहाँ पे ब्रोमिनेशन करोगे फर्दर, पॉसिबल तो है बट मुझे पढ़े तो उसका यूज भी करना था अब, क्योंकि अब ये बी आर एनओ टू, अब क्या करोगे इसमें, यहाँ पे बी आर आ गया। अब एनओ टू को एनएच टू में अगर कन्वर्ट करना हो, NO2 को अगर NH2 में कन्वर्ट करो तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, H2NI यूज कर लो। H2NI यूज करो तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे NH2 में। अगर कुछ पढ़े हो तो उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ यहाँ पे, तो और भी तरीका है, ऐसा नहीं कि वही एक है यहाँ पे। तो कोई भी कन्वर्जन उसका एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकता है। अब यहाँ पे NH2 आ गया, इस NH2 को क्या करो यहाँ पे, NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में सारा कुछ, NaNO2 HCl के साथ कराओगे तो ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, डाइजोनियम, कुछ याद आ रहा होगा ये। और डाइजोनियम का जब फर्दर रिएक्शन करा दोगे N2 प्लस Cl- बन जाता है, इसका जब फर्दर रिएक्शन कराओगे यहाँ पे H3PO2 या फिर C2H5 के साथ, तो फिर वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता, दैट मींस ये पार्ट रह जाता, ये N2Cl हट जाता है यहाँ पे, तो फिर ये आ पाता है। इतना करने की जरूरत नहीं था यहाँ पे नाइट्रेशन करा करके, और वो पढ़े भी नहीं ये चीजें। चलो ठीक है, मतलब एक से ज्यादा ये कन्वर्जन है बट हम लोग सिंपली इसी तरीके से कर पाएंगे, दोनों का यूज भी प्रॉपर समझ पा रहे हैं, सल्फोनेशन एंड डिसल्फोनेशन का, नाइट्रेशन करा करके भी कर सकते हो ये कन्वर्जन, बट डायरेक्टली डिनाइट्रेशन ऐसा कुछ नहीं होता, ये याद रखना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें एक और रिएक्शन यहाँ पे देखना था हम लोगों को, ये सल्फोनेशन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पे आते हैं। अब फिनॉल का रिएक्शन क्या है यहाँ पे तुम्हारा, कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोल के साथ, और एक को हाईर टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक को 100 डिग्री सेल्सियस पे कराया गया यहाँ पे, इसमें क्या बनता है प्रोडक्ट यहाँ पर, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट तो वही बनता है, सल्फोनिक एसिड ही आएगा OH के रेस्पेक्ट में, बट होता क्या यहाँ पे,
जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, इसमें जो मेजर बन जाता है इस केस में लोअर टेम्परेचर पे OH, SO3H, और हाइयर टेम्परेचर पे जो रहता है इस केस में यहाँ पे OH, SO3H, ये मेजर बनता है यहाँ पे, और इसमें ये क्या रहेगा माइनर, सॉरी ये मेजर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आठ वाला मेजर, और हाइयर टेम्परेचर पे पैरा वाला मेजर। रीजन देखते हैं, इसमें शॉर्ट में बोलते हैं KCP भी, और ये क्या होता है TCP। ये KCP TCP क्या होता है पहले हम लोग पढ़े होंगे कहीं पे। KCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, TCP थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और जहां पे हाइयर टेम्परेचर की बात आ जाता है वहां पे क्या रहेगा तुम्हारा थर्मोडायनेमिकली। सही बिल्कुल, वो क्या होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो TCP थर्मोडायनेमिकली वर्ड का यूज करते हैं एट हाइयर टेम्परेचर, और लोअर टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे KCP। अब इसमें अलग से कुछ स्पेसिफिक ऐसा रीजन नहीं है यहाँ पे कि ये मेजर और ये हाइयर टेम्परेचर पर ये मेजर क्यों बनता है, बट इतना फिर भी सोच सकते हो यहाँ पे OH और ये H डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कुछ H बॉन्डिंग वाला फैक्टर रहेगा लोअर टेम्परेचर पे जिसके चलते ये मेजर आ पा रहा है, जबकि हाइयर टेम्परेचर पे वो H बॉन्डिंग वाला फैक्टर ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। वीक बॉन्ड होगा तो ब्रेक भी हो जा पा रहा होगा वहां पे, तो हाइयर टेम्परेचर पे मेजर SO3H दैट मींस पैरा वाला हो जाता है। इस तरीके से सिंपली आग KCP पूछा जाए इसमें इस कंडीशन में यही रहेगा, जबकि हाइयर टेम्परेचर पे TCP पूछा जाए दैट मींस मेजर जो रहेगा SO3H पैरा वाला, और एच बॉन्डिंग के से रिलेट कर सकते हैं उसको कि लोअर टेम्परेचर पे एच बॉन्डिंग प्रॉपर आ रहा होगा, यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर पे एच बॉन्डिंग प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, वीक बॉन्ड होता है दैट मींस मेजर बन जाता है। ठीक, इसको अलग से नोट करके याद रखना। नेक्स्ट है इसमें, इसको नोट करो, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं यहाँ पे। शटलक्राफ्ट रिएक्शन जो कि एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहेगा, फिर कर ले नोट डाउन कर ले सब यहाँ तक। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें शटलक्राफ्ट रिएक्शन, देख लो जो भी नंबरिंग था शटलक्राफ्ट रिएक्शन। और शटलक्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन आता है, शटलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फर्स्ट है इसमें फिडल, तो साइंटिस्ट का नेम शटलक्राफ्ट, और अल्काइलेशन फर्स्ट रिएक्शन है इसमें शटलक्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इसमें जो रिएक्शन कराता है यहाँ पे अल्काइलेशन, दैट मीन्स नेम से ही क्लियर है कि अल्काइल ग्रुप आकर के एच को सब्स्टिट्यूट करेगा बेंजीनिंग के, यहाँ पे क्या रहेगा आर एक्स एनहाइड्रस AlH3, और फाइनल रिपोर्ट क्या बन जाएगा इस केस में आर आकर केड हो जाएगा यहाँ पे। प्रॉपर इसका मिक्सम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका मिक्सम भी देखना रहेगा। और जब मिक्सम की बात करें यहाँ पे, तो मिक्सम बहुत ही सिंपल सा है, आर एक्स है, कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा यहाँ पे, और इसका रिएक्शन AlH3। एनहाइड्रस का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये बता सको एनहाइड्रस अगर यूज ना करें तो फिर क्या दिक्कत, तो एक्वस अगर ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगा यहाँ पे, उसके बताओ हमने कुछ दिखा हुआ यहाँ RX आ रहा है अल्काइल हैलाइड,
और जब एक्वस इनहेड्रस नहीं लोगे इसमें, एक्वस अगर थोड़ा भी आता है एक्वस, तो क्या बना देगा अल्कलाइड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर पाएगा वहां पे, और अल्कोहल लोग चाहते ना कि वो बने नहीं अल्कोहल, डेट मीन्स यहाँ पे इनहेड्रस ही यूज करेंगे, इनहेड्रस LX3। अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिविस एसिड है LX3 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे RX, X पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और LX3 माइनस। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा था हाइड्रोजन का, जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन का वैल्यू और भी इंक्रीज कर गया, तो फाइनली ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है यहाँ पे। और जैसे ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, एक्स पे पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के बाहर जाएगा, और जब ये लेकर के बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या हो जाता है यहाँ पे R+, और ये LX4-। अब यही जो R+ बन गया, ये क्या रहता है यहाँ पे, एज इलेक्ट्रोफाइल। और मुझे इलेक्ट्रोफाइल तो चाहिए हर कंडीशन में इलेक्ट्रोफिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए। बट अब यहाँ पे देखना कि इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से आ जाता है कि R+ का मतलब क्या, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप दैट मीन्स कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पे आ रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, वहां पे क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट। यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होगा इस केस में। एक पॉइंट नीचे लिख भी लोगे इसमें, इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज कार्बोकेटायन। सो रीअरेंजमेंट में अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है, नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे। अब जहां कहीं भी कार्बोकेटायन बन रहा हो, आगे एक पॉइंट और भी देखेंगे वहां पे, कि पहले कार्बोकेटायन को हम लोग रीअरेंज करा लेंगे, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूट कराएंगे एच को वहां पे। बाकी आगे का स्टेप अगर देखें यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, आगे का स्टेप पता है इसमें, वो क्या रहता है इसमें, बेंजीनिंग आ रहा है यहाँ पे, R+ पे आके अटैक करेगा ये, R पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है क्योंकि इस पे R आकर के एड हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास एक H भी है, अब ये जैसे यहाँ से H+ को बाहर करेगा, बाहर कौन करता है H+ को, AlX4-। यहाँ पे जो X- होता LX4 का X- H+ को बाहर करेगा, और जैसे H+ को बाहर करता है इसका बाय प्रोडक्ट भी बनता है यहाँ पे एज एच एक्स, ये भी नोट डाउन कर सकते थे जनरल रिएक्शन में यहाँ पे। ये जो LX4- इसका X- H+ को बाहर करता है, और ये फिर से LX3 बन जाता है। तो यहाँ पे जो LX3 का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, लिविस एसिड कैटलिस्ट, जो तुम पहले भी पढ़े हुए इस टाइप का लिविस एसिड कैटलिस्ट। और जैसे ही इस H+ को बाहर करेगा यहाँ पे, तो फिर से क्या होगा, एरोमेटिक बन जाता है। और इसके नीचे नोट कर लेते इसको, इस पार्ट को, चलो आगे फिर इसका एग्जांपल स्टार्ट करता है यहाँ पे। इसमें एग्जांपल में बहुत ज्यादा वेरिएशन रहेगा, ध्यान से देखना रहेगा यहाँ पे तुम्हें। कल नोट डाउन करने आ रहे सब लोग, ठीक है आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे ये खुद से कर सकते हैं यहाँ पे, बस एक ये पॉइंट पता चल गया है,
लास्ट शिफ्ट और सेमी करा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करा कर एच पे एच पे एच को हटा करके वहां पर अब बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 Cl खुद से बनाते जाओगे प्रोडक्ट इसमें यहाँ से सोचना क्या है Cl बाहर जाएगा HCl3 के साथ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ये तो सोचना डायरेक्ट इसमें CH3 CH2 CH2 Cl CH3 CH2 Cl जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है उसका नेम भी सबका सबको पता हो कि नेम क्या रहेगा वहां पर तो सोचो सब में क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ करके डॉलर डेट में अल्काइलेशन फर्स्ट में क्या बन रहा है प्रोडक्ट ये तो आ रहा होगा सबका से उसमें इथाइल बेंजीन सेकंड में क्या बन रहा है उसका कॉमन नेम अगर बता सको सेकंड वाले का आइसोप्रोपाइल बेंजीन सही है उसका एक और इम्पोर्टेंट नेम होता है वो कोई अगर बता सको आइसोप्रोपाइल बेंजीन सही है उसका नेम क्या होता है आइसोप्रीन नहीं होता वो आइसोप्रीन अलग होता है वो तो चार कार्बन का ही होता है ये क्या है क्यूमीन सही है राशि का सही इसमें कॉमन नेम क्या होता है इसका जो सेकंड वाला रहेगा क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्या बोला जाता है क्यूमीन CH3 प्रोडक्ट तो सबका आ रहा हो कैसे आ रहा हो यहाँ पे ये Cl अपना लोन पे डोनेट करता है HCl3 को ये Cl फाइनली HCl3 के साथ बाहर चला जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट होता CH3 CH पॉजिटिव एच हाइड्राइड शिफ्ट होता 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और ये CH3 और बीच वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव का दैट मींस बीच वाला कार्बन है बेंजीन से आकर के एड हो पाया इस तरीके से वो क्या बन जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका और क्या नेम है इसमें क्यूमीन क्यूमीन में इसका काफी इंपॉर्टेंट नेम है ये याद रखना क्योंकि आगे हम इसी चैप्टर में क्यूमीन से फिर फिनॉल का भी प्रिपरेशन होता है तो याद ही रखना है थर्ड में क्या बन जा रहा है तुम्हारा थर्ड वाले कंपाउंड का नेम कौन सा ग्रुप वो आइसोप्रोपाइल था तो इसी तरह ये कौन सा ग्रुप आ रहा है आइसोब्यूटाइल नहीं ये चीज हम लोग क्लास में किए हुए फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जब हम लोग पढ़े सही है वो क्या रहेगा टर्शियरी ब्यूटाइल ये कौन सा ग्रुप है इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल थर्ड ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बेसिक भी रिवाइज करते रहोगे ऑर्गेनिक जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं उस टाइम लगता है कि बहुत आसान है इससे आसान तो कुछ सही नहीं सब्जेक्ट और है भी एक्चुअल में आसान बट ये डिफिकल्ट तब हो जाता है जब इसको रिवाइज नहीं करते हो तो ऑर्गेनिक को सबसे ज्यादा रिविजन की जरूरत पड़ता है जब भी टाइम मिले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज इनऑर्गेनिक को भी प्रॉपर रिवाइज करना है
तो आगे बढ़ते हैं इसमें, लास्ट में क्या बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, किस टाइप का सोच पा रहे, इसमें नेम तो नहीं अगर बता पा रहे कंपाउंड का, इसमें किस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। अब देखो इसमें होता है क्या, यहाँ पे ये जो सीएल है यहाँ पे, ये सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे, लोन पे डोनेट करता है ये सीएल, तो फाइनली बाहर चला जाएगा एलसीएल के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और वही पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा इस केस में, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ पे, मगर पाई बॉन्ड के फॉर्म में दिखा दो यहाँ पे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ये आकर के डोनेट करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, और साइक्लाइजेशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सिक्समेंट का रिंग हो जाता है। और एच को सब्सिट्यूट तो करेगा ही, अंडरस्टूड के एच यहाँ से बाहर जाएगा ये, और एक यहाँ पे सी एस थ्री बच जाता है इस केस में, और उस काम पे सी एस थ्री नहीं, इसी काम पे सी एस थ्री आएगा तुम्हारा। अब देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये तक मैंने यहाँ पे सी एस थ्री अटैच कर दिया है, अब सी एस थ्री अटैच नहीं भी करता तो विदाउट रीअरेंजमेंट, अब यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज बना यहाँ पे, मान लेते कि सी एस थ्री नहीं है तुम्हारा, जैसे पॉजिटिव चार्ज बना यहाँ पे, ये रीअरेंज होने नहीं जाएगा, जब साइक्लाइजेशन होगा उस केस में तो वो एक ही कंपाउंड में, अलग कंपाउंड नहीं है यहाँ पे, इसमें देखिए रीअरेंजमेंट क्यों हो पा रहा था, क्योंकि अलग है और यहाँ पे ये इंटरमोलिकुलर टाइप से हो रहा है, यहाँ पे क्या हो एक ही मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और जब एक ही मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन हो रहा है ये इंटरमोलिकुलर टाइप का, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, जैसे यहाँ पे कोई विचार बना ये पाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आकर के अटैक कर देगा और साइक्लाइजेशन कर पाएगा, और सिक्स और फाइव में रिंग होगा तभी ये जनरली साइक्लाइजेशन कर पाता है, स्टेबल हो पाता है। क्लियर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इस तरीके से भी याद रखना था इसको। तो सेम तरीके से कार्बोटेन बनेगा, साइक्लाइजेशन होगा और यहाँ पे एक टॉरिंग बन जाता है। हाँ बताओ सर, मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर में कभी रीअरेंज नहीं होता? नहीं, वहाँ पे रीअरेंजमेंट जो मैंने अभी ड्रॉ भी कर देता हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मान लेते किस टाइप का कोई रहता है यहाँ पे सीएल, अब जैसे ये एल सी एल के साथ बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे रीअरेंजमेंट करने से पहले ही आकर के अटैक कर देगा, बाकी अगर वो बहुत लॉन्ग चेन दे दिया जाए यहाँ पे 8 7 8 कार्बन का रिंग बन रहा है तो उससे ज्यादा स्टेबल बन पाता है 6 मिनट का, तो फिर वहां पे वो अरेंज हो पाएगा, बट जनरली 5 और 6 में मेंबर अगर डायरेक्टली बन पा रहा है तो वहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली आकर के अटैक करेगा इस कार्ड को। तो ठीक है, जनरली वैसा क्वेश्चन रहेगा भी नहीं, मैं अगर साइक्लेशन थोड़ा भाई टफ कर रहा इस टाइप यहाँ पे करेगा क्वेश्चन को, इसमें की 5 या 6 में मेंबर बनवाएगा वहां पे इस टाइप को। ठीक है, आगे देखते हैं फिर इसमें यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल इस तरीके का आ रहा है यहाँ पर, बेंजीन हो यहाँ, बेंजीन को बोला जा रहा है कि एक्सेस में बेंजीन यहाँ पर प्लस CH2Cl, एनहाइड्रस LCl3। इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो सोच के बताना, कुछ और क्वेश्चन में लिखूँ तब तक यहाँ पे हम। सही है, दो बेंजीन आएगा, एक ही कार्बन रहेगा मिथाइल का, बाकी को सोचो क्या रहेगा उसमें।
सही है, फर्स्ट तो सही है इसमें, बाकी सोचो इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है, इसमें सोचने का तरीका क्या है सेम, इसमें क्या रहता है यहाँ पे एनहाइड्रस एलसीएल थ्री है, तो एलसीएल थ्री एक क्लोरीन को बाहर करता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज बन गया यहाँ पे है तो वो क्या जाएगा इस केस में सी एच टू सी एल बेंजीन पे आके एसोसिएट हो जाता है, बट एक सी एल अभी भी तो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसमें एक सी एल और भी है, और एल सी एल थ्री तो फिर से वापस मिल जाता है क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, लिविस एसिड कैटलिस्ट, और जैसे ये सी एल एल सी एल थ्री फिर से आएगा तो सी एल को बाहर करेगा, और जैसे ही सी एल को भी बाहर करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये बेंजाली कार्बोकेटायन बन गया, और ये बेंजाली कार्बोकेटायन बेंजीन एक्सेस में है तो फिर से बेंजीन पे आकर के ये अटैच हो जाता है। ये क्या होता है फिर से बेंजीन के साथ आकर के एसोसिएट हो जाएगा यहाँ पे, इसका नेम क्या आता है यहाँ पे डायफिनाइल मीथेन, एक ही कार्बन आता है यहाँ पे सी एच टू डायफिनाइल मीथेन। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट सेकंड वाले में, सही बिल्कुल, उसमें क्या बन जाता है क्यूमीन, ये क्या आता है यहाँ पे क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सोचने का तरीका क्या था कि डबल बॉन्ड एच एफ है, तो डबल बॉन्ड एच एफ हम लोग पढ़ चुके हैं अल्किन के केस में हाइड्रोकार्बन, तो एच यहाँ से मिलेगा क्या एच प्लस, और एच प्लस जो रहेगा इस केस में वही आकर के एड होगा पाई बॉन्ड के अलोंग अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल, एच प्लस जब यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट करेगा, तो सी एच थ्री सी एच पॉजिटिव चार्ज सी एच थ्री, और वैसे भी जानते हैं कि एफ माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, उससे अटैक करने से पहले जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन वो आकर के अटैक कर देता है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या बना लेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। थर्ड वाले में क्या बन जाता टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, तो ये क्या रहेगा टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, यहाँ भी H प्लस मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एड करते पाई बॉन्ड के अलोंग एच यहाँ पर आकर के एड हो जाता और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहीं पे आकर बेंजीन आकर के अटैक कर देगा, ये क्या होगा टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, थोड़ा अलग मतलब टाइप का इसमें रिएजेंट, बट यहाँ भी फेडोक्राफ्ट अल्काइलेशन ही होता है। लास्ट वाले में क्या बनेगा, प्रोसेस क्या रहेगा सोचने का, OH है यहाँ पे H प्लस है हीट भी दिया हुआ है, तो पहला स्टेप क्या हो जाता अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इलिमिनेशन हो जाता है OH और H बाहर जाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, OH जैसे बाहर जाएगा यहाँ पे H आता पॉजिटिव चार्ज बनता है और ये अपरेटिंग वाटर बन के बाहर चला जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज और यही कार्बोकेटाइन है, अब यही बेंजीन पे आकर सब्स्टिट्यूट होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या दिखेगा इस टाइप का कुछ, ये साइक्लोहेक्सेन आता है यहाँ पे, ये फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। ये रहा यहाँ पे किसमें इस टाइप का वेरिएशन कर सकता है कि अल्कोहल दिया रहा था एच प्लस टू, वहां से मतलब जहां से भी कार्बोकेटाइन जनरेट हो पा रहा है, तो जहां से भी कार्बोकेटायन जनरेट हो पा रहा है वहां से क्या होगा, और कार्बोकेटायन ही तो चाहिए और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल बन गया वही कार्बोकेटायन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा बेंजीन पे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सोच सकते हो उसको वहां पर। नेक्स्ट है इसमें फेडोलक्राफ्ट एसाइलेशन, फेडोलक्राफ्ट एसाइलेशन आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें सेकेंड पार्ट इसी का फेडोलक्राफ्ट रिएक्शन का ही फेडोलक्राफ्ट एसाइलेशन।
अब यहाँ पे देखना था शटलक्राफ्ट एसाइलेशन, तो सबसे पहले देखना है कि एसाइल ग्रुप क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को इंजीनियर क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप, अलग से याद करके याद रखना है इसमें एसाइल ग्रुप। अब आर के जगह स्पेसिफिक अगर सी एच थ्री आ जाता है यहाँ पे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को बोला जाता है एसीटाइल, एसीटाइल यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ को इंजीनियर एसाइल ग्रुप, आर के जगह सी एच थ्री आ जाता है एसीटाइल, यहाँ पे इंजीनियर एसाइलेशन ही कराना है। अलावा कुछ भी हो सकता है इथाइल प्रोपाइल। अब यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन का रिएक्शन, आर सी ओ सी एल विथ एनहाइड्रस एल सी एल थ्री, लेकिन आर सी ओ सी एल के अलावे यहाँ पर कोई एनहाइड्राइड भी होता आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, और इसमें भी सेम एनहाइड्रस एल सी एल थ्री, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे वो क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है इस केस में। ये हमारा जनरल रिएक्शन है, इसमें मिक्सम भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं मिक्सम क्या रहेगा यहाँ पे। अब जब इसके मिक्सम की बात करें तो ये भी सिंपल सा है, सेम टाइप का मिक्सम रहेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है एल सी एल थ्री है लिविस एसिड है यहाँ पे, इसे एक्सेप्ट करेगा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सी एल पे कौन सा चार्ज आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जैसे किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो फाइनली वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू और भी इंक्रीज कर गया तो फाइनली ये डिसोसिएट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये डिसोसिएट होता है यहाँ पे आर सी ओ कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा इसमें एल सी एल फोर माइनस। अब देखने की यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन के पास यहाँ पर भी कोई रीअरेंजमेंट होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ये भी कार्बन कहना रहा है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा ये सोचना है। यहाँ पे सोचो कि ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस टाइप का कंजुगेशन अवेलेबल है यहाँ पे, कुछ याद हो इसमें जितना भी टाइप ऑफ कंजुगेशन पढ़े थे इस टाइप का कंजुगेशन यहाँ पे मिल रहा है, अगर रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है अगर यहाँ पे लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में पॉजिटिव चार्ज के साथ एडजेसेंट पोजिशन पे वो भी एक कंजुगेशन होता था, तो लोन पेयर एडजेसेंट विथ पॉजिटिव चार्ज सही है, इसमें पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर यहाँ पे सिंपली कि ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ पे, दैट मीन्स का कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे है कि नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, और ये जो फाइनली पॉइंट बनता है इसको हम बोलते भी हैं एसाइलियम केटायन, उसका नाम देते हैं यहाँ पे एसाइलियम केटायन, और कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे ही आर सी ओ प्लस बन गया यहाँ पे ये तो बेंजीन पे आकर के एसोसिएट हो जाता है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड दो आर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना फिर से एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक बनता फिर से एरोमेटिक गेन करता, अपने डायरेक्टली स्टेप दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये क्या आया था तुम्हारा C डबल बॉन्ड ओ आर, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जब एसिड क्लोराइड हो एसिड हैलाइड हो सीएल के कोई भी बी आर आ जाए यहाँ पे आई आ जाए
वो तो सेम एक्सियम रहेगा, बट जब एनहाइड्राइड हो उसमें कैसे करेंगे वहाँ पे? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पे जो AlCl3 है ये LiBCCl तो है ही, यहाँ का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा AlCl3 को, और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये क्या बन जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पे पॉजिटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड ओ आर, और ये AlCl3 अभी कनेक्टेड ही रहेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आया इलेक्ट्रॉन वैल्यू इंक्रीज करती है, फाइनली इधर से डिसोसिएट हो जाता है, तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा सेम आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरा पार्ट अलग रहेगा इसमें, तो जो चाहिए था मुझे इलेक्ट्रोफाइल वो मिल गया यहाँ पे SiM के टाइम में एज इलेक्ट्रोफाइल, तो जब कोई एनहाइड्राइड भी रहती इस तरीके से सोचने वहाँ पर, ये रहा यहाँ पे, इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं इसका भी एग्जांपल। नेक्स्ट है इसमें पहले नोट डाउन कर ले सब लोग यहाँ तक, तो ठीक आगे बढ़ते हैं इसमें, तो मैक्सिमम भी सिंपल सा, तो मैक्सिमम याद रखना यहाँ पे, क्योंकि जब मैक्सिमम याद रखोगे तो फिर ज्यादा आसानी से कोई भी अगर आपात आता है रिएक्शन तो उसको सोच पाओगे वहां पर। अब बेंजीन का रिएक्शन आ जाए यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl विद एनहाइड्रस AlCl3, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके जगह पे क्या होता है यहाँ पे Ac2O एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3, दोनों में से कोई भी तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वहां पे। नेक्स्ट है इसमें PHC डबल बॉन्ड ओ CH Cl एनहाइड्रस AlCl3, नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट में क्या बन जाता कंपाउंड, फिनाइल इथेनॉन, कॉमन नेम क्या होता है उसका, बहुत फेमस नेम होता है इसका CH3C डबल बॉन्ड ओ एसिटोफिनोन, सही है बिल्कुल, वो क्या रहता है इसका एसिटोफिनोन, ये नेम याद रखना यहाँ पे एसिटोफिनोन। सेकेंड में क्या बने, दोनों में से कोई भी हो, दोनों का मैंने मिक्सिंग बताया हुआ पीछे, नाइट्राइड हो या फिर एसिड हैलाइड हो, सेकेंड में क्या बनता प्रोडक्ट, तो बेंजीन आ जाता है यहाँ पे, और इसका कॉमन नेम क्या होता है याद हो किन्हीं को, जब दो बेंजीन आ जाता है उसको बोलते हैं बेंजोफिनोन, तो क्या बोलेंगे वो बेंजोफिनोन, ये दोनों नेम इंपॉर्टेंट है याद रखना है, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। लास्ट में तुम्हें स्ट्रक्चर देख करके पता चल रहा है कि इसमें क्या कराना हम लोगों को, यहाँ पे क्या है Cl है COCl, ये Cl बाहर जाता है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और जब भी साइक्लाइजेशन होता तो किस पोजिशन से होता है, आर्थो पोजिशन पे, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पोजिशन पे ही साइक्लाइजेशन होगा, ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन होगा इसका यहाँ पे,
जाकर के अटैक करेगा यहाँ पे। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस टाइप ऑफ कंपाउंड आ जाता है यहाँ पे। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे। अब कुछ क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लियो, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, खुद से यहाँ पे प्रोसेस पता चलेगा, खुद से भी कर सकते हो यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन अगर मैं लू यहाँ पे इस टाइप का, CH2, CH2, CH3, इसमें क्या करें जो कि एक कन्वर्जन हो जाए यहाँ पर, सोच के देखो यहाँ पर। तो पहले क्या डायकनो अल्काइलेशन से मिल सकता है क्या? पर अल्काइलेशन कर देते हो फिर नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन मिल पाएगा क्या अल्काइलेशन से? सही है, वो नहीं मिल पाएगा। वो क्या मिल जाता वहां पे? क्यूमिन मिल जाएगा, H2O2HF नहीं। यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड, CL, NH3, CL3। पहले एसाइलेशन करा दो यहाँ पर, और एसाइलेशन होगा तो इसमें क्या बनता प्रोडक्ट? C डबल बॉन्ड, CH2, CH3। जब एसाइलेशन कराएंगे, अब ऐसा क्या कौन सा रिएजेंट यूज करें जो कि C डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाए? बताओ इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करें कि C डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाए? सही है, इसमें नहीं, केमेनोफोर यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। केमेनोफोर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा ये, सी डबल बॉन्ड हो कुछ करेगा ही नहीं वहां पे उसको। यहाँ पे क्या है? सही है, इसमें उल्फ किशनर रिडक्शन या क्लेमेंटन रिडक्शन, जेडन एचजीएस HCl, क्लिमेंसन या फिर उल्फिशनर, दैट मीन्स N2H4KOH। सही है, जड़न HGSCl, दैट मीन्स क्लिमेंसन रिडक्शन या उल्फिशनर रिडक्शन का यूज करेंगे तो फिर ये C डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसाइलेशन पहले क्यों करा रहे हैं? क्योंकि एसाइलेशन से मुझे पता है कि एसाइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, उसमें अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा उस केस में तो फिर डायरेक्टली स्टेप से आ जाएगा, उसके बाद में रिडक्शन करा देंगे तो C डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो, ये कन्वर्जन स्टेप से हो पाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन बस लास्ट में देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो इस केस में यहाँ पे देखना H2SO4 है, ये भी मेंस में कई बार क्वेश्चन आया इस टाइप का, H2SO4 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे होता क्या कि H2SO4 सोर्स ऑफ H+, और ये जैसे H+ यहाँ पे आता है अपना लोन पे डोनेट करके H+ को एक्सेप्ट करेगा, जैसे इस टाइप का आदत नॉर्मल टेम्परेचर भी है H2O बन के बाहर चला जाता है, और जैसे H2O बन के बाहर गया
ये क्या जाएगा तुम्हारा इसमें C डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज, और यहीं पे क्या हो जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे ये यह आकर क्या टेक कर देगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, हाइमेंट का रिंग बन जाता है यहाँ पे। अब इसी में तुम्हें इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करा दिया था, रिडक्शन करा दिया जाता है, इसके आगे भी कुछ हो सकता है यहाँ पे, बट फर्स्ट एच2SO4 का यूज देखना था। एसिड के साथ अगर H2SO4 दिया हुआ या H+ सिर्फ दिया हुआ है तो यहाँ से H+ आएगा और वाटर बन के बाहर जाएगा, एसाइलियम केटायन टाइप से बनेगा इंट्रामोलिकुलर, और इस तरह से पॉसिबल है यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? तो इसके कुछ लिमिटेशन है तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका लिमिटेशन क्या क्या होता है। फिर चार पांच पॉइंट्स वहां पर भी होता है लिमिटेशन में, और लिमिटेशन देखने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेंजीन का ये लास्ट रिएक्शन होता है फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। इसी के बाद जो रहेगा कुछ इसमें और भी रिएक्शन रहेगा कुछ मिसलिनियस टाइप का, उसको भी देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे आएंगे फिनॉल। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो रहेगा फिनॉल का प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो कुछ इसमें पेपर का एक और डाउट था उसको देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। द वन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म, पेपर का डाउट है तो हम लोग फिर आगे यहाँ तक नोट कर लो, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे वहां की जिनका डाउट था। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं डाउट पेपर का, बाकी राशि का भी पूरी डाउट था तीन चार भेजे भी थे उसने, उसको भी मैं कराता हूँ अभी। या बाकी किसी का और का कोई डाउट हो पेपर का तो भेज सकते हो, क्योंकि तुम लोगों का अभी थर्ड लेक्चर है। जितना भी तुम लोगों का डाउट है जब भी मेरा क्लास लग इस वीक में है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जितना डाउट है तो सब पूछ सकते हो यहाँ पे। क्लियर हो इस डाउट पे आते हैं पेपर के। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो Ni NH3 twice Cl2, इसका तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्या रहेगा इस कॉम्प्लेक्स का, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा है तुम्हारा इसमें प्लस टू, कंफिगरेशन लिखोगे आर्गन 3d8। अब जब इसका बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करोगे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, अब इसमें यहाँ पे सोचना ये था तुम लोगों को इसमें NH3 twice और Cl2 आ रहा है, इसमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयरिंग होगा या नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को सोच के बताना यहाँ पे, बताओ उसमें क्या रहेगा वहां पे। नहीं तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता, एक यहाँ पे एक्सेप्शनल केस में बताओ यहाँ पे है, इसमें जो एक्सेप्शनल केस होता है यहाँ पे है। वैसे मैंने एक पॉइंट भी लिखाया होगा तुम लोगों को जाकर के देखना वहां पे कि विथ कोऑर्डिनेशन नंबर फोर इफ देयर आर टू SFL एंड टू WFL आर प्रेजेंट देन WFL डोमिनेट कर जाता है और वो SP3 हाइब्रिडाइजेशन को लीड करता है वहां पे, वही पॉइंट है। और एक पॉइंट याद रखने की अगर अमोनिया निकेल के साथ अगर आता है तो इवन NH3 भी वीक लिगेंड्स की तरह एक्ट करता है अमोनिया के साथ अगर आ रहा है वहां पे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ये कर रहा हूं यहां पे Ni NH3 होल सिक्स और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तुम्हारा प्लस टू, इवन यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है और ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को ये शो करेगा यहां पे। क्लियर है? इन केस ऑफ निकेल NH3 एक्ट एज ए वीक फील्ड लिगेंड, और यहाँ पे तो दो ही स्ट्रॉन्ग है अगर स्ट्रॉन्ग की तरह सोचते भी, और दो यहाँ पे इसलिए मैं पॉइंट लिखाया हुआ था कि दो स्ट्रॉन्ग हो दो वीक की तरह आ रहा हो तो वहां पे WFL डोमिनेट कर जाएगा, दैट मीन्स पेयरिंग नहीं होगा। और जब इतना क्लियर हो गया कि पेयरिंग नहीं होगा दैट मीन्स डी में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा,
जो तुम्हारा वैकेंट होगा वो क्या रहेगा इसमें यहाँ पे, फिर एक एस और तीन पी, ये क्या आया था एस पी थ्री। और जब ये तुम्हारा एस पी थ्री आ गया तो सेप क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कोई भी आइसोमेरियम शो नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जब होगा तो एक ही कंडीशन में आइसोमेरियम शो करेगा। और वो कौन सा कंडीशन रहता है, जब चारों लिगेंड डिफरेंट हो तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरियम शो कर पाता है। चारों डिफरेंट हुए वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट पोजीशन। चलो सही है, उसमें जब चारों डिफरेंट होगा तो फिर वो शो कर पाता। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल तो क्लियरली है कि ये टेट्राहेड्रल कभी शो ही नहीं करेगा और ये ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा क्योंकि दो 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 सेम आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन था डायरेक्टली नहीं करना था, इसमें कंफ्यूजन तुम लोगों को हो भी रहा होगा उस ऑप्शन में। देखिए ए और डी बाकी तो क्लियर है, ए और डी में अगर सोचते वहां पे तो डी तो क्या आ रहा था प्लेटिनम। तो प्लेटिनम कभी भी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, इसका हमेशा क्या होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डीएसपी टू ही बनाता है पीटी। प्लेटिनम प्लस टू में हो कोई भी लिगेंड उससे कोई मतलब नहीं है। या फिर वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट। तो ठीक है अभी प्रॉपर आ रहा वॉइस? हाँ सर। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा था कि प्लेटिनम वाला जो डी ऑप्शन था वो तो याद रखना है कि कोई भी कंडीशन हो वहां पे प्लेटिनम प्लस टू में आ गया तो डीएसपी को हाइब्रिडाइजेशन होगा स्क्वायर प्लेन, और उसमें तो फिर ये हो पाएगा वहां पर प्लेटिनम। वो तो प्लेटिन टाउन प्लेटिन देखे ही थे वहां पर, तो उसमें ज्योमेट्रिकल हो पाता था, आंसर ही आ जाता तुम्हारा। इसका थोड़ा सा यहाँ पे निकालना था, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ज्योमेट्री निकाल के चेक करना था। क्लियर है अब ये? चलो आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे पेपर का तो कोई डाउट नहीं इसमें यहाँ पे। तो देखोगे इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन है क्वार्टनियन कंपाउंड का ही, देख लो जिनको अगर भूख नहीं लगे तो देख सकते हो यहाँ पे, बाकी जिनको डाउट नहीं है ये तो अपना जा भी सकते हो। अब यहाँ पे देखना है इस केस में, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन था यहाँ पे, अच्छे क्वेश्चन है देख लो यहाँ पे सब लोग, पी टी एन एच थ्री होल फोर सी एल टू, और यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है इसमें टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे पी टी। अब यहाँ पे मुझे बताना है इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे, इसके नेमिंग कैसे करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं यहाँ पे है? जब दो दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो तो देखते हैं यहाँ पे, मैंने पहले फर्स्ट ले निकाल लो यहाँ पे है, और फर्स्ट ले अगर निकालता हूँ यहाँ पे पी टी सी एल फोर है, और ये क्या रहा है पी टी एन एच थ्री फोर सी एल टू। यहाँ पे एक चीज याद भी रखना पड़ेगा, जब प्लेटिनम फोर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, ये फोर कोऑर्डिनेशन नंबर में रहता है प्लेटिनम, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सही है उसमें, वो तो सोचेंगे हम लोग फर्स्ट क्या केटाइनिक है और ये एनायनिक रहेगा। बट यहाँ पे दूसरा ये सोचना है यहाँ पे कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में हो प्लेटिनम ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये क्या रहता है फिर यहाँ पे प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, या फिर दूसरा सोचने का तरीका। अब यहाँ पे पी टी सी एल फोर है, इस पे अगर प्लस टू आ रहा है प्लेटिनम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रहेगा हमेशा विथ क्वार्टर नंबर फोर, अगर इस पे प्लस टू चार्ज आएगा कैसे, प्लस टू चार्ज, तो प्लस टू चार्ज तभी आ पाएगा इस ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस टू तभी आएगा प्लेटिनम का जब इस पे माइनस टू चार्ज हो, और इस पे अगर माइनस टू चार्ज दे रहे हैं और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है इस पे माइनस टू, तो इस पे क्या देना पड़ेगा तुम्हें प्लस टू, तभी ये कैटाइनिक आ पाएगा कोऑर्डिनेशन इस पे, और ये एनायनिक। जब इस पे माइनस टू दिखा रहे हम लोग तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या आ जाता है यहाँ पे माइनस टू प्लस टू धरता, ये क्या जाता है इसमें प्लस फोर। क्लियर है? तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है,
दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, एक केटायनिक होगा एक एनायनिक होगा, इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे, दैट मीन्स ये प्लेटिनम का प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, ये क्या होगा इस पे, इसका अगर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है इस कम्प्लेक्स इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे माइनस टू चार्ज देना है, और इस पे माइनस टू इस पे क्या होगा न्यूट्रल, ओवरऑल न्यूट्रल इस पे प्लस टू चार्ज, प्लस टू माइनस टू इस तरीके से फिर आप आएंगे यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। और इवन ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सर ठीक है। ये कैटायनिक ये प्लेटिनम हो जाता और ये प्लेटिनेट आ जाता, आपके लिख लेते उसको वहां पे। नेक्स्ट एक और है इसमें यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द कॉम्प्लेक्स COCl3.5NH3, तो COCl3.5NH3 अगर आ रहा है यहाँ पे सोचना इस केस में तुम्हें ये है, मैंने क्लास में जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जब पढ़ रहे थे वहां पे ये रिएक्शन करके मैंने बताया भी था, इसमें जो होता है यहाँ पे कोबाल्ट विद सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर में रहेगा, दैट मीन्स CONH3 5 और Cl, जाकर के देखना बुक नोटबुक वहां पे, तो NH3 5 एक Cl को अंदर लाना था, क्यों एक Cl को कोऑर्डिनेशन पेयर में लाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स रखना यहाँ पे, और दो Cl बच गया, दो Cl कहाँ पे जाएगा बाहर, जब दो Cl बाहर चला गया इसमें तब सोचना यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ आयन ये कॉम्प्लेक्स बन गया यार, तो नंबर ऑफ आयन्स कितना मिलेगा इसमें, आई का वैल्यू क्या होगा, थ्री। अब तो सोच सकते हो यहाँ पे थ्री, और जब ये थ्री आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या मिल जाता, तो मैं थ्री, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या था वहां पे, नंबर ऑफ आयन्स की बात कर रहा है, वो क्या था वहां पे थ्री सर। हाँ बताओ सर, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट होता है या इसको याद ही रखना होता है? याद नहीं, मैंने जो यहाँ पे बताया था जनरली यही अगर क्वेश्चन आएगा तो एक रिएक्शन वेस्ट यहाँ पे रहेगा, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस वही था कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स रखना कोबाल्ट अगर आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स रखना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स कैसे यहाँ पे मिले, तो और NH3 एक ये भी पॉइंट है कि NH3 कभी भी लिगेंड की तरह काम नहीं करता है, ये सॉरी एज अ काउंटर आयन, NH3 हमेशा एज ए लिगेंड काम करेगा, वो काउंटर आयन कभी नहीं रहता है, NH3 कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं रहेगा तुम्हारा, 5NH3 है तो हमेशा एज ए लिगेंड रहता, तो 5 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जनरली कोई रहता नहीं कॉम्प्लेक्स, वो 6 में रहेगा, एक Cl इनसाइड रहेगा, दैट मीन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखना और तो दो Cl को बाहर रखना, आई का वैल्यू क्या रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें Amongst the following ions, which one is high spin complex? कौन सा high spin complex है यहाँ पे? इसमें अलग अलग ऑप्शन है तुम्हारा CrNH3 6 2 plus, तो high spin complex में चेक क्या करने में ऑप्शन चेक करने में टाइम लगेगा, मैं सिंपली कंसेप्ट बता देता हूँ, बोला जा रहा है कि चार ऑप्शन है, हाँ बताओ सर, वो 3 and 4 बस क्यों नहीं है? ओके 3 and 4 क्यों नहीं है? नहीं उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो है यहाँ पे, विच वन इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो आते हैं उस पे हम लोग यहाँ पे, तो मैं सही हम लोग सीधे थर्ड ऑप्शन पे आता है यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो CuH2O6, ये क्या है तुम्हारा इसमें प्लस टू, तो कॉपर का क्या जाएगा इसमें प्लस टू, अरे कॉपर का प्लस टू रहेगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका आर्गन 3D9, इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे, इसमें क्या जाता है हाइब्रिडाइजेशन बाहर का ही यूज होगा इसमें यहाँ पे है, वो क्या जाता फिर sp3d2, और sp3d2 आ रहा है इसमें, बाकी का भी देखोगे अगर जेडन का भी देखो तो जेडन प्लस टू में आ रहा है वहां पर, तो जेडन प्लस टू में अगर आ रहा है वहां पर चेक कर लेता मैं वहां पे ऑप्शन इसमें जेडन H2O6
पॉजिटिव चार्ज, तो जेडन प्लस टू आ रहा है इस केस में यहाँ पे Fe। तो इसका यहाँ पे मीनिंग क्या था मैं बताता हूँ। यहाँ पर थ्री प्लस, यहाँ पे Fe एच टू थ्री प्लस, इसमें जेडन प्लस टू का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या आ जाता है इसमें आर्गन 3D10। Fe प्लस थ्री का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये क्या रहेगा इसमें तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो आर्गन 3D26, 3D5, 3D5 आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पे सोचना ये था कि 3D5 आ रहा है यहाँ पे, इसमें जब एक ही ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है तो हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, भैया ठीक है कि वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, तो इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, सबका आ रहा है, बट हाई स्पिन का मतलब क्या है तुम्हारा, स्पिन उसका हाई हो। हाई स्पिन या लो स्पिन का मतलब क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से भी आता है उसका, उसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, जब तीनों में sp3d2 आ रहा है तो तीनों तो सेलेक्ट करना है, मल्टीपल चॉइस तो है नहीं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब यह है तुम्हारा कि ये हाई स्पिन का मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्पिन किस में आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है, इसमें क्या होगा ये प्लस हाफ, इसका तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे, सब पेयर्ड है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाता है यहाँ पे, जीरो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, समेशन ऑफ, ये एस कुछ रहा था यहाँ पे एटम स्ट्रक्चर में तुम लोग कुछ पढ़े होगा यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हाफ, इसमें फाइव अनपेड है और सबका डायरेक्शन सेम है इसमें यहाँ पे, तो फाइव इंटू वन बाई टू ये क्या हो जाएगा फाइव बाई टू, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स ये हाई स्पिन रहेगा, सही है वो वहां पे एस इंटू एस प्लस वन जो भी आ रहा है इस तरीके से सोच रहे हैं, जो भी वहां पे मतलब जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है सबका डायरेक्शन भी इसमें सेम है, और जब सबका डायरेक्शन सेम आ रहा है इसमें यहाँ पे है, इस तरीके से फिर सोचना रहेगा वहां पर, क्लियर है यहाँ पे। आंसर जो इसका बी ऑप्शन अगर आ रहा होगा यहाँ पे सी एन डी क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीजन बस यही था, इसमें हाई स्पिन का मीनिंग ये है यहाँ पे कि स्पिन अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा विद सेम डायरेक्शन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसका ज्यादा होगा। तो ठीक है, तो जब ऐसा भी क्वेश्चन रहे बाकी सबका, तो उसमें जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो दैट मीन्स वो आंसर आ जाता है वहां पर, क्योंकि उसका टोटल स्पिन जो होगा वो ज्यादा होगा वहां पर। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि पढ़े भी हो गए तुम लोग पी ब्लॉक में, जब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स रहता है उसको कैसे सोचते हैं वहां पे हम लोग, इसको भी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। Fe H2O होल 5 NO, जब मैं एग्जांपल करा रहा था तो मैं नोमेनक्लेचर में इसी का क्वार्टर मॉडल नोमेनक्लेचर वहां पे मैंने बताया था याद रखने के लिए कि Fe के केस में NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी को याद हो कुछ Fe के केस में, सही है इसमें प्लस वन, मैंने क्लास में बताया था इसको, क्योंकि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आ सकता है कि आप इसको याद रखें कि NO प्लस वन, और जब ये प्लस वन आ गया तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो क्या रहेगा वहां पर, प्लस वन, प्लस वन, और Fe का प्लस वन आ गया अगर वहां पे, इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है यहाँ पे आर्गन 3d6 4s1, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाना है वहां पे, ठीक है वो इस केस में यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखना था इस केस में इसमें होता है क्या, अब यहाँ पे सी दिखाना है, यहाँ पे सी बॉक्स रखो इसे,
अब यहाँ पे एस में भी इलेक्ट्रॉन है, और एस में इलेक्ट्रॉन तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन लोग चेक करेंगे, जब भी अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर यहाँ पे हम लोग आएगा तो उसमें एस तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, एस तो खाली चाहिए मुझे हर एक कंडीशन में, वैकेंट चाहिए एस, कि जो एस वैकेंट होता है यहाँ पे तो ये इधर शिफ्ट कर जाए किसी एक में, और किसी एक में शिफ्ट कर जाए थोड़ा है, अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे है। इसमें क्या चेक करोगे यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या आता है यहाँ पे 1, ये भी यहाँ पे एक पेड हो जाता है। अब एक एस खाली हो गया यहाँ पे है, ये क्या था sp3d2 आई जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बच गया यहाँ पे 3। अगर आंसर है तो देखो आंसर 3 आ रहा है क्या इसका, हाँ सर 3 दिए। सही है यहाँ पे, इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। एनो का ऑक्सीड डेंसिटी इन केस ऑफ Fe ये क्या रहेगा इसमें +1, 3d6 4s1, तो 4s1 तो हर एक कंडीशन में खाली चाहिए, ये इधर शिफ्ट हो जाता। बाकी का पेयरिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, बाकी का पेयरिंग अगर करा भी देते हो तो उसका d2 तो खाली नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। मान लो तुम पेयरिंग करा भी, एक तो ये शिफ्ट होगा ही होगा, बच गई है तुम्हारा 3, वैसे तो ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा ही नहीं, और पेयरिंग करा भी देते हैं तो यही क्या आएगा यहाँ पे, तो 2d नहीं, जबकि d2sp चाहिए तो 2d वैकेंट चाहिए जो कि मिल ही नहीं रहा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे पेयरिंग होता ही नहीं है बाकी का, सिर्फ एक ही इधर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है, इस तरीके से सोचना था यहाँ पे इसको। हाँ सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग मैंने बताया भी यहाँ पे, कुछ और पूछ रहे हो इसमें, एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है 4s तो वैकेंट चाहिए, ये लो एनर्जी वाले में ही शिफ्ट होगा यहाँ पे है, ये इधर शिफ्ट 3d में शिफ्ट हो जाएगा ये 4s से, और ये इधर शिफ्ट होगा यहाँ पे है 3d में जो किया यहाँ पे, ये पेयरिंग कर लेगा इसके कंडीशन में। और बाकी का पेयरिंग क्यों नहीं होगा उसका मैंने रीजन बताया, वीक लिगेंड्स भी है और पेयरिंग करके भी करा करके भी कोई फायदा नहीं है, d2 मिल नहीं पाएगा, दैट मींस पेयरिंग नहीं होता है वहां पर। एस ऑर्बिटल का जो रहेगा यहाँ पे बिल्कुल ये कर सकता, अगर एस ऑर्बिटल है यहाँ पे है, नहीं पेयरिंग में नहीं करा रहा यहाँ पे, पेयरिंग इसलिए होता है यहाँ पे कि एस तो चाहिए ही चाहिए, sp3d2 हो या फिर तुम्हारा d2sp3 हो, तो एस तो वैकेंट चाहिए ही चाहिए मुझे, एस अगर वैकेंट चाहिए यहाँ पे इस एस को तो खाली करना पड़ेगा, एस को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं यहाँ पे, यदि एस शिफ्ट होता तो वो पेयरिंग कर रहा है तो ठीक है, उसको नॉर्मल को वैकेंट है ना इसके पास तो पेयरिंग कर पाएगा यहाँ पे, क्योंकि एस वैकेंट चाहिए मुझे हर एक कंडीशन में जो भी एविडेंस है, दैट मींस को मैं इधर शिफ्ट करा के पेयरिंग करा पा रहा। चलो आगे देखते हैं, फिर इसमें एक क्वेश्चन और है लास्ट में, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे तुम्हारा, विच कॉम्प्लेक्सिटी बताओ किस ऑप्शन में, उसमें ऑप्शन टू की बात करें वहां पे हम लोग, विच कॉम्प्लेक्सिटी डायमैग्नेटिक, उसमें बोला जा रहा है CONH3 6+3। अब यहाँ पे देखना है इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा इसका, +3, ये आ जाएगा डायमैग्नेटिक यहाँ पे है आर्गन 3d6 27 के 24 3d6 आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो सारा कुछ पेयरिंग करा देगा यहाँ पे है। ये डायमैग्नेटिक हो पाएगा सेकंड ऑप्शन, क्या दिक्कत आ रहा है उसमें, फिर में आंसर 1 दिए वो भी है आंसर, उससे क्रॉस चेक करो आंसर 1 दिए, आंसर अगर 1 आ रहा है इसमें MnO4 माइनस, उसमें भी तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है तुम्हारा वहां पे +7, तो वहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा, बट CONH3O6 आ रहा है +3, तो कोबाल्ट तो हर एक कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे है, एनएच3 वैसे भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, SiO+3 कोई भी लिगेंड आता है वहां पे क्या वो स्ट्रॉन्ग की तरह करता है,
ये भी डायमेटिक रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन अगर दोनों अगर यहाँ पे दे रखा है तो 1 2 दोनों रहेगा यहाँ पे। हाँ सर, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, बाकी फर्स्ट भी रहेगा, दोनों 1 एंड 2 दोनों हो पाएगा। चलो ठीक है, और कुछ अगर और कोई डाउट है इसको भी देख लेते हैं। पेपर का ये आईपीएससी नेमिंग का क्वेश्चन है एक, इसमें व्हाट इज रॉन्ग इज द आईपीएससी नेम 1-bromo-5-chloro-2-methyl-benzene। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो यहाँ पे, 1-bromo। क्वेश्चन के ऑर्डर में लिख लेता हूँ यहाँ पे, 5-chloro-2-methyl। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ पे तुम लोग, ये ब्रोमो क्लोरो इस टाइप से। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया इसको। हाँ सही है, देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला, जो क्वेश्चन का नेम लिखा गया मैं उसके अकॉर्डिंग लिख लिया, ब्रोमीन यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे इसके एस्पेक्ट में क्वेश्चन बोला जा रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो क्वेश्चन यहाँ पे जब मैं रीड करता हूँ, चलो प्रॉपर आएगा वॉइस, अभी तो आ रहा है प्रॉपर। अभी तो आ रहा है प्रॉपर वॉइस, बताओ सब लोग। यस सर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है। फिफ्थ पोजीशन किसके स्पेक्ट्रम में बोला जा रहा है यहाँ पे, वो तो रॉन्ग नेम ही रॉन्ग दिया हुआ है, मुझे करेक्ट करना है क्या नेम करेक्ट होगा। ये 1-bromo दिया हुआ है, ये 1-bromo, तो 1 2 3 4 ये यहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 पोजिशन पे दोगे इसको यहाँ पे, सेट उसको यहाँ पे अटैच करना था इसमें, इस पोजिशन पे 1 2 3 4 5 ये क्या रहा था तुम्हारा, इसमें 1-chloro, ये 1-bromo-5-chloro-2-methyl, तो 2-methyl तो सही है। अब इसका नेम जो देखना रहेगा तो वो एग्जैक्ट नेम क्या होगा, मैंने उसके अकॉर्डिंग नेम लिख लिया है, बट इसका करेक्ट आईपीएससी नेम क्या होता है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसमें, तो उसकी बता कोई एक, नंबरिंग किस कार्बन से स्टार्ट होगा, ब्रोमीन वाले, क्लोरीन या CH3 वाले से। CH3 से सही है, 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो जाता तुम्हारा, 1 2 4, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का क्वेश्चन क्या होता, 1 2 4, ये फेल हो जाता तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आते हैं, बट ये 1 2 4 तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसका करेक्ट नेम क्या होता, 2-bromo-4-chloro-1-methyl-benzene। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते अगर ब्रोमीन से तो क्या होता तुम्हारा 1 2 3 4 5, तो क्या मिल रहा 1 2 5, जो कि ये लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं बन पा रहा, ये लोएस्ट सेट है, ये नंबरिंग करेक्ट है तुम्हारा, तो बाकी ऑप्शन देख लो क्या बोला जा रहा है। तो नंबरिंग इनकरेक्ट है वहां पर, तो ठीक है बाकी सब चीज में यहाँ पे, और भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे, और तो कोई डाउट नहीं तो वहां का, तो ठीक है बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू भी करते हैं आगे, फिर इनऑल के हम आगे का रिएक्शन देखेंगे, बट पीछे का जो पढ़ चुके हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर, उसमें कहीं से कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो तो रेडी रखोगे तो ऑफिस का। तो ठीक है मैं सेशन एंड करता हूँ अभी, कितने पिक्चर भी तुम लोगों का। ठीक है मैं सिलेबस शाम तक बताता हूँ फिजिक्स का भी बंद क्या रहेगा।